हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहासकार में कई ऐसे फनकार आए जिन्होंने अपनी आवाज का जादू दर्शकों पर चलाया। आज ऐसी एक लोकप्रिय सिंगर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिनकी आवाज सालों पहले कहीं खो गई है। इस सिंगर का नाम है अनुराधा पौडवाल। दौर में लता मंगेशकर, आशा भोसले और अलका याग्निक जैसे गायिका झंडे गाड़ रही थी, लेकिन अनुराधा पौडवाल जब आई तो इन सभी को कड़ी टक्कर मिली। अनुराधा पौडवाल को गुलशन कुमार और टी सीरीज की खोज भी कहा जाता है। गुलशन कुमार उन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाना चाहते थे। अनुराधा पौडवाल ने अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी 1973 में। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की फिल्म आई थी अभिमान, लेकिन 1976 में उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला था, वो भी दिया था सुभाष घई ने अपनी फिल्म काली चरण से। इसके बाद क्या था, उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याणी जी, आनंद जी और जयदेव जैसे सिंगर्स के साथ काम किया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि जैसे जैसे बंदा कोई ऊंचाई पर चढ़ता जाता है उसके साथ कई और लोगों के विवाद भी शुरू हो जाते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज भी शुरू हो जाती हैं। इस दौरान लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ उनके विवाद की भी खबरें आईं, जिसकी वजह से वो खुद भी दूसरे संगीतकार के रडार पर आई और इसकी वजह से उन्हें काम मिलना कम हो गया। उस दौर में गुलशन कुमार की म्यूजिक कंपनी टी सीरीज सबसे बड़ी कंपनी थी, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। वहीं अनुराधा पौडवाल ने अपने करियर को नया आयाम देने के लिए गुलशन कुमार के साथ हाथ मिलाया और उनके गाने गाने लगी। फिर क्या था, सफलता ने अनुराधा पौडवाल के ऐसे कदम चूमे कि आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और बेटा जैसे फिल्मों के लिए उन्हें लगातार 3 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए। इस दौरान अनुराधा पौडवाल गुलशन कुमार की भी पसंदीदा गायिका बन गई। हर जगह और हर मामले में वो अनुराधा पौडवाल को सपोर्ट करने लगे। इससे इंडस्ट्री में ऐसी खबरों ने भी आग पकड़ी कि गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। हालांकि इस पर किसी ने भी खुलकर कुछ कहा नहीं। अनुराधा पूरी तरह आगे गाती रहीं और आगे बढ़ती रहीं, लेकिन जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रही थी उससे लग रहा था कि वो लता मंगेशकर का दौर खत्म हो जाएगा। खुद कंपोजर ओपी नैयर ने ये कह दिया था कि लता का दौर अब खत्म हो चुका है, अनुराधा ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात गुलशन कुमार ने कही थी। अनुराधा पौडवाल को लेकर गुलशन कुमार ने कहा था कि वो उन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाएंगे। इसके बाद उन्होंने उसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया। फिर अचानक एक दिन अनुराधा पौडवाल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सभी को ये कहकर चौंका दिया कि अब वो सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाने गाएंगी। अनुराधा के इस फैसले से लोगों को लगने लगा कि गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल के बीच अफेयर की खबरें झूठी नहीं है। बेशक गुलशन कुमार की वजह से अनुराधा ने टी सीरीज के लिए गाने का फैसला लिया हो, लेकिन इससे उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि इसके बाद टी सीरीज से बाहर के सभी गाने अलका याग्निक और बाकी के गायकों को मिलने लगा, यानी कि सिंगर्स को मिलने लगा, जबकि अनुराधा ने भजन और आरती शुरू कर दी। इस वजह से अनुराधा पौडवाल का करियर डूब गया और कई सालों तक उन्होंने किसी फिल्म या म्यूजिक कंपनी के लिए कोई गाना नहीं गाया। सबसे बड़ी बात की गुलशन कुमार की मौत के बाद तो उन्होंने फिल्मी गाने गाना ही छोड़ दिया, जिसके बाद से ही उनका सबसे बड़ा फॉल डाउन शुरू हो गया। वेल, हम भक्ति सॉन्ग्स की बात कर रहे थे अनुराधा पौडवाल की, तो सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है, मैं अपनी बात करूं तो मुझे शिव अमृतवाणी बहुत पसंद है जो उन्होंने गाई है, और सच में एक अलग ही फीलिंग आती है जब भी मैं वो सॉन्ग सुनता हूँ। तो ये थी कहानी सिंगर अनुराधा पौडवाल की। आपको अनुराधा पौडवाल का कौन सा सॉन्ग सबसे ज्यादा अच्छा लगा या कौन सी खास बात आपको अनुराधा पौडवाल की सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।